एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरी किसी वीडियो को नापसंद करते हो, डिसलाइक देते हो, तो आप एक रीज़न मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता दो, ताकि मैं अगली बार से अपने उस वीडियो में सुधार कर सकूँ और फिर वो गलती दोबारा ना कर सकूँ। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप हेवी साड़ी को अच्छे तरीके से ड्रैप कर सकते हो। तो आज मैंने ये साड़ी सेलेक्ट की है और इसकी डिज़ाइन वगैरह आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि साड़ी की वेट कितनी होगी। तो साड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है और काफ़ी हेवी एम्ब्रॉयड्री भी इसमें की हुई है। सो गाइस, टकिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी सी फैब्रिक को जितनी भी आप टक करना चाहते हो उनको आप कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लो और फिर इन्हें आप अपनी पेटीकोट में इन कर लो। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो टमी लगेगी सामने से बिल्कुल स्लिम लगेगी। यदि आप फैब्रिक को जैसे तैसे करके इन्हें टक करते हो तो वो आपकी टमी के पास काफ़ी ज़्यादा फुली फुली दिखती है और इससे एक अच्छा फिनिश नहीं आ पाता है। तो इसलिए टकिंग करने के लिए आप हमेशा ये ट्रिक यूज़ करो। और साथ ही जब आप टक करते हो तो आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि जो आपकी साड़ी की जो डिज़ाइन है वो आपके बैक में कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए, जिससे कि यदि आप पल्लू लेते हो तो पल्लू के जब आप लोगे तो ये जो बैक का साइड रहता है वो नीचे से आपकी साड़ी में दिखता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बार बेसिक टकिंग कर लेने के बाद साड़ी को आपको आपकी जो फ्रंट की जो प्लीट्स बनने वाली जो फैब्रिक है उसको आपको छोड़ देना है और फिर आपको अपनी जो पल्लू वाली साइड है उनको आपको अपने शोल्डर पर रख लेना है। तो यहाँ पे मैं साड़ी की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको दो तरीके से पल्लू लेना बताऊँगी। एक तो यहाँ पे फ्री स्टाइल में मैं आपको बताऊँगी और दूसरा मैं उनकी प्लीटिंग करके भी बताऊँगी। तो साड़ी को जब आपने शोल्डर पे रख लोगे पल्लू वाले साइड को, तो फिर जो हमारा जो फ्रंट का लेयर होता है, फ्रंट का जो फैब्रिक होता है, उसमें हम फ्रंट की प्लीटिंग बनाते हैं। सो प्लीटिंग्स करने से पहले आप साड़ी को अच्छे तरीके से एक बार जर्क दे लो और उसके बाद जब आप जर्क दे लोगे तो फैब्रिक जो रहेगी काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाएगी। एंड देन आपको क्या करना है कि पहली जो लेयर होगी उसको आपको थोड़ा सा चौड़ा बनाना है और फिर बाकी जो लेयर आती है प्लीट्स की उसको आपको एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बनाते जाना है। तो पहली लेयर मैं यहाँ पे बड़ी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा अधिकांश होता है कि जो प्लीट की जो पहली लेयर है वो हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ ही भागती हुई दिखती है। तो ऐसा ना हो, एक अच्छा फिनिश आ जाए साड़ी में, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लीट को थोड़ा सा चौड़ा रखा है और बाकी प्लीट जो रहती है वो वैसे ही नॉर्मल मैंने बनाया है जैसे एक एक सेंटीमीटर की हम बनाते हैं। तो एक बार इनको टक करने से पहले आप जो जितनी भी लेयर हैं प्लीट्स की उनको आप एक बार फ्री कर लो, एक बार चेक कर लो कि सारे जो प्लीट्स हैं वो अच्छे तरीके से फ्री हो जाएँ। तो साइड फैब्रिक को टक करने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी जो प्लीट है वो लेफ़्ट साइड में भागती हुई नहीं दिख रही है और राइट साइड का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस आया है। और ये जब आप चेक कर लेते हो उसके बाद आपको इन्हें अपने बेली बटन के पास, ठीक उनके बेली बटन के सामने ही आपको इन्हें टक कर लेना है। तो जब ये टकिंग हो जाएगी उसके बाद आपको फैब्रिक यहाँ से आपको दिख रही है ना, इसके बाद यहाँ पे से आपको अपने हैंड को इन करना है और जो हमारा बॉर्डर आने वाला है आपके वेस्ट पे जो बॉर्डर आएगा उसको आपको लेना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको खींचना है एंड देन इनको ट्विस्ट करना है और फिर इन्हें सेम आपको अपनी साड़ी में टक कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी जो राइट साइड की लेग होगी वहाँ पे साड़ी बिल्कुल टाइटली आपको दिखेगी और फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी मैं आपको ये जितनी भी टकिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो टकिंग मैं कर रही हूँ फ्री स्टाइल पल्लू के लिए। तो बस यहाँ से मैं पल्लू को ले जाऊँगी और इनको मैं अपने शोल्डर पे कुछ इस तरीके से रख लूँगी और साथ ही आपको अपने वेस्ट के साइड से जो बॉर्डर जा रही है उनको भी अपने ध्यान में रखना है कि वो अच्छे तरीके से आ जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको फ्री स्टाइल में कुछ इस तरीके से रख लूँगी। तो
इससे साड़ी की जो लुक आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आएगी, आप देख सकते हो। तैयार हो जाएगी, आपको फिर से एक बार चेक करना है कि सारी जो लेयर है वो आपकी राइट साइड की तरफ ही रहे और कोई भी प्लेट्स आपकी लेफ्ट साइड में भागती हुई ना दिखे। एंड देन मैं यहाँ पे वही करने वाली हूँ, फिर से मैं अपने हैंड्स को इन करूँगी अपनी फैब्रिक में और जो हमारी वेस्ट के तरफ आएगी फैब्रिक उनको हमें खींचना है। इसको आप जितना खींचोगे, साथ ही आपको ये भी इन्हें खींचते हुए ना आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको नीचे की तरफ से ऊपर आपको उन्हें ज़्यादा नहीं खींचना है, सिर्फ आपको अपने जो वेस्ट साइड है आपको वहीं से फैब्रिक को खींचना है, वरना इससे क्या होगा, नीचे का जो बॉर्डर होगा ना वो थोड़ा आपका ऊँचा हो जाएगा और वो फिर अच्छा लुक नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इन्हें खींचते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, फिर इन्हें ट्विस्ट करना है एंड देन आपको टक करना है। तो जब कुछ इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे इनकी प्लीटिंग करूँगी। एक एक प्लीट्स को मैं यहाँ पे लूँगी और उन्हें अरेंज करती हुई जाऊँगी। प्लीटिंग करने के लिए भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बॉर्डर की जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी बॉर्डर, वहाँ से आपको इनकी प्लीटिंग्स करनी शुरू करनी है। सो प्लीटिंग करने के लिए आपको ध्यान देना है कि बॉर्डर की लेंथ जितनी है उतनी ही आपको सारी लेयर को सेम डिस्टेंस में ही रखना है एंड देन उसी सीक्वेंस में मैं इन्हें एक एक करके अरेंज कर रही हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने इन्हें अरेंज किया था। और सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड